ये अब हम जो इंडस हाईवे से अंदर शहर की तरफ घुस चुके हैं। अब आप देखिए कि किस तरह का बना हुआ है ये हैदराबाद शहर। लो जी, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की बिल्डिंग, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद, SBH। हमारे इंडिया में भी है ना स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद। ये तो मोहब्बत ही बे इंतहा होती है जनाब, नाप तोल कर तो राशन मिला करता है। कुछ ऐसी ही बे इंतहा मोहब्बत के लिए मैं निकला हूँ सफर पाक पर, और सफर पाक में जो मोहब्बत मुझे यहाँ मिल रही है वो वाकई काबिले तारीफ है। लाहौर से मुल्तान, और मुल्तान के बाद हमने शुरू किया था कराची का सफ़र, लेकिन काफ़ी लंबा होने की वजह से हमें बीच में एक सक्कर में, यानी कि जो सक्कर शहर है वहाँ हमें थोड़ा सा रेस्ट भी लेना पड़ा था। और यही वजह थी कि जो अब के दिन की शुरुआत हो रही है अर्ली मॉर्निंग, अभी हम सक्कर शहर से कर रहे हैं। सामने कितना खूबसूरत तरीके से लिखा हुआ है आई लव सक्कर। तो आज के दिन की हम कर रहे हैं शुरुआत सक्कर से, शुरू कराची के लिए। अभी भी लगभग 400 किलोमीटर का सफ़र बाकी है, लेकिन इस सफ़र में कितने खूबसूरत ऐतिहासिक चीज़ें आती हैं वो सब दिखाते हुए चलेंगे। हैदराबाद जैसे शहर भी आएंगे, लेकिन शुरू करने से पहले मेरी सभी से एक ही गुजारिश, जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं, और इन वीडियोज को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सफ़र। आज के सफ़र की एक सबसे बड़ी खासियत यह है कि आज खुद ड्राइव करते हुए इंडस हाईवे पे, यानी कि सिंधु हाईवे जिसे बोला जाता है, या इंडस हाईवे पर खुद ड्राइव करते हुए सफ़र शुरू किया है। और मेरे साथ डॉक्टर साहब और बाकी किजल साहब, पीछे मलिक सिराज साहब, सभी ने शुरुआत की है। बहुत ही खूबसूरत इंडस हाईवे, और अभी आपको वो भी दिखाते हैं। लेकिन आज मैंने खुद ड्राइविंग संभाल लिया, इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस मैं अपना वहाँ से लेके आया हुआ था, उसी के अकॉर्डिंगली मैं खुद यहाँ पर ड्राइव कर रहा हूँ, ताकि किसी प्रकार की कोई वो दिक्कत ना हो, या मैं मतलब किसी प्रोटोकॉल को अगेंस्ट नहीं जाना चाह रहा था, इसलिए मैं अपना इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस भी लेकर आया हुआ था, और उसी के लिए आज मैं फिर ड्राइव करते हुए आज कराची का सफ़र कर रहा हूँ। तो ये जो इंडस हाईवे है ये बेहद खूबसूरत और सिटी ऑफ पाम्स के बीच में निकलता हुआ, क्योंकि खजूर यहाँ की बहुत ज़्यादा फेमस है, केला खजूर, तो वो सब दिखाते हुए अब आपको निकलते हैं। सफ़र की हो चुकी है शुरुआत, चले जी आपको दिखाते हैं कौन कौन से रास्ते में तहसील, गांव, शहर, वो सब यहाँ की ट्रांसपोर्टेशन वो भी दिखाते हुए चलते हैं। देखिए जी, खूबसूरत बागान, खजूर ही खजूर है दोनों तरफ। ये जो रोड है ये एक तरफ चल रहा है और दूसरी तरफ आने का रोड है, दोनों तरफ इस तरह से ही खजूर यहाँ की सबसे फेमस खजूर डेट्स मानी जाती है। और ये यहाँ के ट्रक देख सकते हैं, ट्रक आर्ट वाली वीडियो मैंने लास्ट टाइम भी जो पाकिस्तान का ट्रक आर्ट कल्चर है उस पर बनाई थी, वाकई एक लाजवाब कल्चर है। और ये इस हाईवे पर जो ये ट्रक वगैरह का ज़्यादा चलन है, क्योंकि ये जो कराची तक जाता है, लाहौर से कराची तक, बल्कि ये कहिए कि पेशावर से कराची तक का ये इंडस हाईवे बना हुआ है, और कराची सी पोर्ट है, तो ऐसे में जो आउट ऑफ कंट्री के लिए कुछ भी अगर सी पोर्ट के माध्यम से भेजना होता है इसी रोड्स के थ्रू जाता आता है। तो सबसे ज़्यादा आना जाना ट्रकों का, गुड्स व्हीकल्स का इसी रोड पर होता है। तो आज मोटरवे से सफ़र ना करते हुए हमने ये रूट इसलिए डिसाइड किया है कि हम रास्ते में आपको ये दिखा सकें। मोटरवे पर हमें आसपास कुछ दिखाई नहीं देता है, लेकिन यहाँ पर विलेजेस, यहाँ की तहजीब, यहाँ की ट्रांसपोर्टेशन, यहाँ के लोग, वो सब दिखाई देते हैं, तो इसलिए हमने ये आज वाला रूट चूज किया है। ये सिंध के मशहूर सूफी शायर सचल सरमस्त की यहाँ पर दरगाह बनी हुई है, मजार बनी हुई है। ये एंट्री है यहाँ से, जो कि काफ़ी पसंद किए जाते थे, काफ़ी नेम फेम है।
ये यहाँ की एंट्री है और सामने उनका अंदर दरबार भी बना हुआ है, सचल सरमस्त। जो सिंधी कम्युनिटी से लोग हैं वो कम से कम इस नाम से बेहतर तरीके से वाकिफ होंगे। खासकर इंडिया में भी इनके काफ़ी ज़्यादा मुरीद पाए जाते थे और इनकी आवाज़ के, इनकी सुरों के काफ़ी दीवाने माने जाते थे। तो ये है जी, और यहाँ मेले वगैरह भी लगते हैं, काफ़ी संख्या में सिंधी कम्युनिटी के लोग आते हैं, आज भी इनकी इबादत करते हैं। यानी कि सिंध के सिरमौर कहें तो ये सचल सरमस्त साहब थे। ये उनका सामने खूबसूरत दरबार देखिए जी, पीछे सज्जाद सोरो सिटी इंडस हाईवे पर कंडियारो, इंडस हाईवे पे गाड़ी चलाना भी अपना एक अलग ही अंदाज है, खासकर इतने खूबसूरत हाईवे पर जहाँ ट्रकों की भरमार आप सामने देख सकते हैं, क्योंकि कराची से ट्रक काफ़ी ज़्यादा आना जाना लगा रहता है। और ये जो इंडस हाईवे है, कराची से पेशावर तक थ्रू लाहौर इसी तरह चलता है। यहाँ के ट्रांसपोर्ट भी थोड़ा सा आपको दिखाते हैं, पेट्रोल पंप भी दिखाते हैं आपको। ये सामने जो जारी है ये है हाईवा, जो कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट के उसमें यूज होती है। इसमें सवारियां एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाती हैं, यानी कि ये प्राइवेट छोटी वो है जो सवारियों के लिए होती है। ये काजी अहमद शहर हैदराबाद से बहुत पहले है। हैदराबाद हालांकि भी कह सकते हैं कि 100 से 120 किलोमीटर की दूरी पर है। हमारा टारगेट यहाँ से अभी सीधा हैदराबाद रुकने का ही है, लेकिन ये शहर भी काफ़ी अपनी अच्छी पकड़ रखता है इस इलाके में, और आबादी के लिहाज से भी शहर लगता है कि यहाँ पर काफ़ी बड़ा है। यहाँ पे काफ़ी अच्छी का कहा जा सकता है कि यहाँ पे लोगों का आना जाना दिन भर लगा रहता है। आगे इस तरह की हाईवा जा रही है जो पैसेंजर्स के लिए होती है, हालांकि सरकारी बसें तो हमें कोई ऐसी नज़र नहीं है। ये एज सच जो स्टेट ट्रांसपोर्ट की प्राइवेट बसेस, प्राइवेट लग्जरी बसेस, इस तरह की बसेस पर यहाँ के लोग ट्रेवल करते हैं, उन्हीं पे ही ये लोग ज़्यादा डिपेंड भी होते हैं। लेकिन इंडस हाईवे का ये रोड भी काफ़ी अच्छा है और काफ़ी अपनी अहमियत भी रखता है। सबसे बड़ी बात ये सिल्क वैली, ये जो रोड है धनबाद से शुरू होता था कभी किसी ज़माने में, धनबाद से कैलकटा, मुगल सराय, पूरा बिहार को क्रॉस करता हुआ, उसके बाद दिल्ली, शेरशाह सूरी मार्ग बाद में उसके साथ अटैच हो जाता था, वहां से दिल्ली से पानीपत, करनाल, अम्बाला, अम्बाला से जालंधर, अमृतसर होते हुए लाहौर में एंटर होता है, और लाहौर से फिर ये इस्लामाबाद, इस्लामाबाद से पेशावर, पेशावर से खैबर पख्तूनवा, खैबर पख्तूनवा से जलालाबाद, जलालाबाद से होते हुए ये चाइना, या आप कह सकते हैं कि ये वर्ल्ड को कनेक्ट करने वाला ये रोड है। और हालांकि इसके पैरेलल बाद में वो बन चुके हैं, मोटरवे बन चुके हैं, लेकिन ये इंडस हाईवे अपनी अहमियत शुरू से नहीं छोड़, ये अपनी इस रोड की अपनी अहमियत है। और ये कभी किसी ज़माने में जब रियासतें हुआ करती थी, जब राजाओं के यहाँ पर राज हुआ करते थे, तो ये सिल्क वैली कहा जा सकता था, उस समय सिल्क वैली रोड होते थे ये। यानी कि इतना खूबसूरत और बिजनेस के लिहाज से ये सबसे बड़ा रोड माना जाता था उस दौर में, ये इस रोड की खासियत है। सुबह से 310 किलोमीटर का सफर करके हम पहुंच चुके हैं इस टाइम हैदराबाद सिटी में। लगभग हमें इस पूरे सफर में 8 घंटे का समय लग गया, क्योंकि बीच में एक दो दरबार ऐसे थे जो देखने में वहां चले गए थे, खाना भी खाया है, और कुछ इंडस हाईवे की स्पीड काफी कम थी क्योंकि ट्रक वगैरह ज्यादा थे। तो इस समय 4 बजे का समय हो चुका है और हम हैदराबाद एंटर हो रहे हैं। हैदराबाद शहर सिंध, जो पाकिस्तान का एक स्टेट है, उसका दूसरा बड़ा शहर है। पहला कराची, दूसरा हैदराबाद, तीसरा सक्खर। तो ये देखिए जी, ये मॉल के कल्चर की शुरुआत हो चुकी है, अब्दुल्ला मॉल हैदराबाद का। ये अब हम जो इंडस हाईवे से अंदर शहर की तरफ घुस चुके हैं।
अब आप देखिए कि किस तरह का बना हुआ है ये हैदराबाद शहर। एक हैदराबाद इंडिया में है तो ये दूसरा बाद पाकिस्तान में है। दुबई इस्लामिक बैंक यहाँ पर है। हाई राइज अपार्टमेंट्स, हाई राइज ऑफिस की शुरुआत है। और हालांकि यहाँ मुझे ये जानकारी तो नहीं है कि हम अंदरून शहर भी कोई है या नहीं है, लेकिन ये ज़रूर पता है कि हम मैप के हिसाब से फ़िलहाल कराची को रूट को हमने बाईपास करके शहर का थोड़ा सा विजिट शुरू किया है, ताकि आप लोगों तक हैदराबाद शहर के बारे में कुछ जानकारियां हम पहुंचा सके। ये जो रोड आप देख रहे हैं ना, इसे हैदराबाद की ठंडी सड़क कहा जाता है। क्या वजह है ठंडी सड़क, क्या है कि यहाँ पे ऐसी क्या, या तो ये बीच में जो एक छोटा सा कैनाल टाइप बना हुआ है और उसके और ये बीच बीच में सारे पेड़ पौधे लगे हुए हैं, इसकी वजह से हो सकता है इसे ठंडी सड़क कहा जाता हो। लेकिन ये पूरा रोड हैदराबाद का ठंडी सड़क के नाम से मशहूर है। इंडिया की तरह यहाँ भी लोग ऐसे हैं जो अपना पर्दा ढाकने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं लगाते। एडवर्टाइजमेंट की, पॉलिटिकल पार्टीज की एडवर्टाइजमेंट, वो ये नहीं सोचते कि कहाँ पे कर रहे हैं। उन्हें तो बस अपना ऐसी जगह एडवर्टाइजमेंट करनी होती है कि लोगों को दिखे, चाहे उसके पीछे इस खूबसूरती के लिए, आई लव पाकिस्तान के लिए जो गवर्नमेंट ने पैसा खर्च किया है वो भले बर्बाद हो जाए, लेकिन इसके आगे जिन्होंने अपनी एडवर्टाइजमेंट का बोर्ड लगाना था वो लगा दिया। ये एक दुर्भाग्य है दोनों ही मुल्कों का। आई लव हैदराबाद, ये आ गया जी बड़ा सा बोर्ड। ये रेलवे स्टेशन के लिए सीधा चला जाता है। और ये जो फ्लाईओवर नजर आ रहा है, ये शहबाज कलंदर फ्लाईओवर के नाम से इसको जाना जाता है। शहबाज कलंदर मतलब ये सिंध का, ओ जो एक बलूचिस्तान सिंध का जो एक फेमस सूफियाना सॉन्ग है शहबाज कलंदर, उन्हीं के नाम पर इस फ्लाईओवर का नामकरण किया गया है। ये बड़ी अच्छी बात है कि सूफी जो एक सूफियाने के लिए मशहूर होते हैं उन्हें कम से कम इस बहाने याद तो किया जाता है। लेकिन अलग अलग बिल्डिंगों पे भी यही आई लव हैदराबाद के बोर्ड लगे हुए हैं। ये शहबाज बिल्डिंग है साहब, शहबाज बिल्डिंग यानी कि सेक्रेटरीट, हैदराबाद की सेक्रेटरीट। लो जी, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की बिल्डिंग, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद, SBH। हमारे इंडिया में भी है ना स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद, तो ये स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ये रहा जी। हाँ, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान यानी हैदराबाद में स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की बिल्डिंग। अब हम उसी इलाके से गुजर रहे हैं जो हैदराबाद पुराना है, यानी कि अंदर अंदर हम आपको पूरे हैदराबाद की सैर करा रहे हैं। हालांकि हमें इंडस हाईवे से अभी तक तो क्रॉस होके सीधा अब तक हम लोग जा सकते थे, लेकिन चूंकि हम आए हैं तो सोचा ये मौका भी हाथ से ना जाने दिया जाए और आप लोगों को कुछ ना कुछ हैदराबाद जरूर दिखाया जाए। कुछ शोरूम की शुरुआत हो चुकी है और राइट साइड में ये जी जिम खाना हैदराबाद जिम खाना, ये रहा जी हैदराबाद जिम खाना। इशारा, रेड लाइट को यहाँ पे इशारा कहा जाता है और ये इशारों की शुरुआत हो चुकी है, रेड लाइट की शुरुआत भी हो चुकी है। इशारा कहा जाता है यहाँ पे रेड लाइट को। मेरे साथी इस मामले में कम से कम मेरी बड़ी हेल्प कर रहे हैं, उर्दू मुझे आती नहीं तो ये फटाफट बता देते हैं कि ये वो बिल्डिंग है। कम से कम ये बेनिफिट मेरे को मिल रहा है। और ये फिर से वही जैसे दिल्ली की मार्केटें होती हैं पुराने हैदराबाद शहर की, यानी सिकंदराबाद और हैदराबाद इंडिया की अगर बात की जाए तो हैदराबाद पुराना शहर है और सिकंदराबाद बिल्कुल न्यू कंस्ट्रक्टेड है, वहाँ पर शॉपिंग मॉल कल्चर है। सेम यहाँ पर भी मीरपुर खास जो इसके एडजॉइनिंग है, अब उसको डेवलप किया जा रहा है, बिल्कुल एडजॉइनिंग है हैदराबाद के मीरपुर खास और उसको एडजॉइनिंग किया जा रहा है। और ये हैदराबाद इंडिया के हैदराबाद की तरह पुराने शहरों में ठीक इसी तरह पे आपको ये पता भी नहीं लगेगा, ठीक ऐसी ही वहाँ पर रोड्स बनी हुई हैं। सक्कर से 310 किलोमीटर, लाहौर से इसकी दूरी लगभग 800 किलोमीटर और कराची से लगभग 150 किलोमीटर या 140 किलोमीटर है। तो ये हैदराबाद जो तीन बड़े शहर हैं ये आपस में इनकी डिस्टेंस इस तरह से बैठती है। सिंध के जो तीन बड़े शहर हैं, सिंध स्टेट के जो तीन बड़े शहर हैं, कंजस्टेड एरिया ठीक हमारे इंडिया के हैदराबाद की तरह,
यूनिवर्सिटी ऑफ सिंध एल्सा काजी ओल्ड कैंपस हैदराबाद, ये यूनिवर्सिटी ऑफ सिंध है जी, हैदराबाद के सिंध की, बहुत ही अंदर बहुत ही प्यारा स्ट्रक्चर, जैसे हमने लाहौर में भी पहले देखे हैं कुछ इस तरह के पुराने अंग्रेजों के दौर के स्ट्रक्चर बने हुए थे, क्लॉक टावर वगैरह थी, यहाँ पर भी इस तरह की हमें क्लॉक टावर दिखाई दिए हैं। ये है जी हैदराबाद की बॉम्बे बेकरी, द बॉम्बे बेकरी, पाकिस्तान के हैदराबाद में इंडिया की द बॉम्बे बेकरी, क्या इतिहास है भाई इसका, चल के देखते हैं द बॉम्बे बेकरी। वाह जी वाह, द बॉम्बे बेकरी द शॉप इन ए बंगलो, ये देखिए जी इसके टाइमिंग्स भी हैं बकायदा इन आउट, ये देखिए साहब द शॉप इन बंगलो, ए थडानी फैमिली एस्टेब्लिश सिंस 1911। वाह जी वाह, ये इसका इतिहास है, थडानी फैमिली कोई सिंध फैमिली है, 1911 में इसे बनाया गया था, 100 साल से ज़्यादा हो चुके हैं अब तो, इसे 112 साल हो चुके हैं, एक बंगले के अंदर बनी हुई द बॉम्बे बेकरी। ये जी इसका पूरा इतिहास उर्दू और इंग्लिश में लिखा हुआ, दिस इज टू इन्फॉर्म आवर एस्टीम्ड कस्टमर्स दैट वी आर द मैन्युफैक्चरर ऑफ केक एंड बिस्किट सिंस 1911 एंड वी आर सेलिंग दीज प्रोडक्ट्स फ्रॉम आवर वन एंड ओनली शॉप लोकेटेड एट 56 सिविल लाइन्स कैंटोनमेंट हैदराबाद सिंध, जो यहाँ का एड्रेस है। इट हैज कम टू आवर नॉलेज एंड फर्दर कन्फर्म दैट द सर्टेन, मतलब उनके बारे में बताया गया कोई फेक केक सिया इसके नाम से बनाता है, तो उसके बारे में ये एक चेतावनी दी गई है। लेकिन भाजी खूबसूरत बॉम्बे बेकरी, अंदर चल के देखते हैं अगर हमें अलाउ किया जाता है तो। सर इधर से बनाने के लिए चले जाओ भली, आप चले जाओ बना लो आप। ये देखिए जी ये केक्स एंड बेकरी, ये अंदर जो केक बनाए जाते हैं 1911 से, ये बॉम्बे बेकरी की खासियत है, एक लाइन के थ्रू सभी को अंदर आने दिया जाता है प्रॉपर, यानी कि इसकी डिमांड भी काफ़ी है, केक के लिए फेमस है ये। ये देखिए साहब 1911 से ये बेकरी खासकर केक के लिए फेमस है ये। पाकिस्तान के हैदराबाद में बॉम्बे बेकरी, हाई कोर्ट ऑफ हैदराबाद यानी हाई कोर्ट ऑफ सिंध की मेन गेट की एंट्री, और काफी बड़ी एरिया में फैला हुआ ये हाई कोर्ट, तभी आसपास नोटराइज करने वाले कुछ वकीलों के इस तरह के ऑफिसेज भी यहाँ पर है। ये हाई कोर्ट ऑफ सिंध जो कि दूसरे बड़े शहर हैदराबाद में सिचुएटेड है पाकिस्तान के। आई लव सिंध, ये लो जी हैदराबाद में, चलते चलते आप लोगों को हैदराबाद के बारे में सारा बताया जा रहा है, इतना समय है नहीं कि यहाँ जाके एक्सप्लोर ढंग से कर सके या और कुछ कर सके। बॉम्बे बेकरी के बारे में हमें थोड़ा सा एक उत्सुकता हो रही थी, तो इसलिए भाई आप लोगों को भी दिखाएं कि हैदराबाद में बॉम्बे, वाह पाकिस्तान के हैदराबाद में बॉम्बे बेकरी, इसलिए स्पेशली इंडस हाईवे छोड़ के हम लोग यहाँ पर गए थे। और ये बिल्कुल रेलवे लाइन यहाँ से गुजरती हुई बिल्कुल बीचों बीच, और ये सामने टोल प्लाजा आ चुका है जमशोरो का। ये जमशोरो नेशनल हाईवे अथॉरिटी जमशोरो टोल प्लाजा, इसके बाद एक्सप्रेसवे की शुरुआत हो जाती है कराची के लिए। और कराची पहुँचने से पहले हम
आज के व्लॉग का कर रहे हैं यहीं पर एंड, कल के व्लॉग की शुरुआत करेंगे पाकिस्तान के सिंध स्टेट के सबसे बड़े शहर कराची की, एक नंबर के शहर। सी पोर्ट के मामले में कराची काफी है, क्लिफ्टन एरिया हिंदू मंदिरों के लिए फेमस है, तो वहीं कराची बंदरगाह वर्ल्ड में अपनी एक अलग ही अहमियत रखती है। तो वो सब अगले व्लॉग में आपको दिखाएंगे, लेकिन इस व्लॉग का एंड करने से पहले हमेशा की तरह आपसे एक ही रिक्वेस्ट, जिन लोगों ने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं और इन वीडियोज को शेयर भी करते रहें, ताकि जो जो भी लोग पाकिस्तान के हर हिस्से में दिलचस्पी रखते हैं उनके लिए हम पहुंचे हुए हैं पाकिस्तान। एज एन इंडियन व्लॉगर मैं पहली बार नहीं बल्कि दूसरी बार फिर से पाकिस्तान पहुंचा और इस बार रूट लेकर आया हूं लसबेला तक का। तो मिस मत कीजिएगा, पाकिस्तान की हर उस खूबसूरती से रूबरू होते रहिएगा इस चैनल के माध्यम से, और कीजिएगा जल्द से जल्द सब्सक्राइब। लेते हैं आपसे अलविदा, नमस्कार।